एक बात बताओ भाजी, आपका और भाभी का रिश्ता कैसे हुआ था? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और उसी दिन से सिद्धू बेचारा हो गया। किस्मत का मारा हो गया। और सही बात है भाजी, आपका तो फिर भी आंखों आंखों में इशारा हुआ। पुराने जमाने में जब रिश्ते होते थे, लड़का लड़की देखते नहीं थे एक दूसरे को। मुझे याद है मेरे दादाजी ने बताया, जब उनका रिश्ता हुआ ना, खेतों में काम कर रहे थे, कोई बंदा भागा भागा आया, उन्होंने बताया, कहते मुबारक हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। जो फसल उसने 3 महीने में काटनी थी, खुशी खुशी में आधे घंटे में काट डाली। फिर जब शादी हुई, सुहाग रात पे घूंघट उठाया, उठाते ही मूड खराब। अंदर से और ही पिलपिला मुंह निकला। सस्पेंस खुल गया। दादा का इतना मूड खराब हुआ, कहते यार जल्दी जल्दी में फसल भी काटी, फसल खराब, अभी नस्ल खराब होने वाली है। आजकल तो माहौल चेंज हो गया, और आजकल इंटरनेट पे रिश्ते होने लगे हैं, मोबाइल पे जुड़ने लगे हैं। हाँ। मेरा एक दोस्त था भाजी, उसका रॉन्ग नंबर लग गया। हाँ। वो लड़की उससे पट भी गई। हाँ। फिर उसने उससे शादी कर ली। हाँ। अभी 24 घंटे नशे में रहता वो। हाँ? उस दिन बैठा ना, क्या मैं क्या हुआ, कह रहे ये केस करना मैंने मोबाइल कंपनी वालों पे। मैंने कहा क्यों? कहते साले किसी भी हरी गरी को कनेक्शन दे देते हैं। पाटली बॉय एंड कंपनी, ये पाटली बॉय। हाँ, कहते गलती इनकी, मैं क्यों भुगतूं, मैं ठोकूंगा केस इन पे। अजीब अजीब माहौल। ये बातें सच्चाई है बेसिकली, हमारी सोसाइटी में होती है। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका कोई रिश्ता हो रहा हो, या बात चल रही हो, या होने वाला हो यहाँ पे कोई? हाँ जी मोहतरमा। आप कहीं और बात क्यों चला रही हैं? आप 2-4 दिन लगातार आइए, यही एडजस्ट कर लेंगे आप। एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट 1 हफ्ते पहले ही हुई है। 1 हफ्ता पहले ही हुई है? Yeah. तो इतनी जल्दी क्या थी, लड़के मर रहे थे सारे? तो दुनिया में लड़के खत्म हो गए थे। क्या क्या करते हैं आपके फियांसी? वो कॉल सेंटर में काम करते हैं। अरे वेरी गुड, तो आप क्या करती हैं? मैं भी सेम वही कॉल सेंटर में काम करती हूं। उसी कॉल सेंटर में? अब मुझे पता चला, ये कॉल सेंटर वालों को फोन करो ना, कनेक्शन मिलता क्यों नहीं, अपने कनेक्शन जोड़ के रखे हैं। लवी डवी, लवी डवी। शादी के बाद कितने बच्चे आप चाहती हैं? एक ही है? एक ही। जितनी आपकी सेहत, मुझे तो एक भी ज्यादा लग रहा है। चलिए, क्या नाम बताया आपने अपना? नवजोत। 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 देखो ऊपर वाले की करनी देखो, एक नवजोत, दूसरी नवजोत। भगवान ने आपके हिस्से की एनर्जी भी उस नवजोत में डाल दी। चलिए थैंक यू नवजोत जी, शुक्रिया, मेहरबानी। और कोई भाई बंधु जिसकी शादी चल रही हो? जी मेरा नाम शिल्पा है। हाय हाय। शिल्पा, हो गई शादी आपकी? नहीं, होने वाली है। क्या करते हैं आपके होने वाले पति साहब? फिलहाल तो कुछ नहीं करते, बट बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा और सेटल हो जाएंगे। ये कह रही जल्दी जॉब मिल जाएगी, जल्दी सेटल हो जाएंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी अभी तक सरकार नहीं सेटल हुई पाई। वैसे ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज आपकी? लव मैरिज। लव मैरिज। कितने साल हो गए प्यार चलते हुए? 6 साल। 6 साल। 6 साल का ही बायोडाटा लेके बाहर घूमा तो 10 नौकरियां मिल जाती है अभी तक। अभी 10 नौकरी के बजाय 1 छोकरी लेके बैठा हुआ है। चलिए शिल्पा जी, भगवान आपकी जल्दी जल्दी शादी कराए, उसके अगले सीजन में आप अपने बच्चों के साथ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आए। भाई हमारे देश में जब कोई रिश्ता जुड़ता है ना, बीच में या तो कोई मैरिज पार्लर इन्वॉल्व होता है। हाँ। या पंडित या कोई सगा संबंधी। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा जब रिश्ता हुआ ना, मेरे रिश्ते में कबाड़िया इन्वॉल्व था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि माल में कबाड़ आने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शायद तुम भूल रहे हो कि हमारी शादी तुम्हारे मामा ने करवाई थी। तो वो भी तो कबाड़ी था, वो कौन सा बैंक मैनेजर था? शादी के 6 घंटे बाद पुरानी हो गई भाजी। शादी के 6 घंटे बाद जब मेकअप में दरारें पड़ी ना, ऐसा मुंह निकला, ऐसा लग रहा चीकू ट्रक के नीचे आ गया है। इतना गंदा मुंह निकला। शादी
लेकिन 6 घंटे बाद तुमको सब कुछ दिखाई देने लगा और सगाई और शादी के बीच में जो 6 महीने का गैप था तब कुछ नजर नहीं आया तुम्हें? भाई साहब देखिए। भाई साहब कौन भाई साहब? जो भी है साड़ी पहनी तो भाई साहब से कम नहीं तू। भाजी आदमी जब ढाबे पर खाना खाने जाता है सही वो दाल मखनी देखता है कि इधर उधर देखता कितनी मक्खियां बैठी हुई है, तब नहीं नजर आई कोई कमी? मक्खी नजर नहीं आई। हेलो तुम्हारे घर पे पता है चाय के लिए दूध तक नहीं था, वो तो मेरे पापा ने शादी में तुम्हें बकरी दी थी ताकि उनकी बेटी को चाय तो नसीब हो। पापा ने बकरी दी, बेटी तो दी नहीं उन्होंने। और बकरी भी कौन सी थी मैं बताता हूँ, ऐसी भूखी नंगी बकरी थी इन्होंने। वो कसम से भाजी 1.5 पाव दूध देती थी, हमारा 2 लीटर पी जाती थी। पहले पता होता ना इतना भूखकर खानदान है तुम्हारा, मैं कभी शादी नहीं करती तुमसे। हमारा भूखकर खानदान है। हाँ। इसके बाप की अंबानी के साथ पार्टनरशिप है। शादी के टाइम पे मेरे को सूट दिया, मैं खुशी खुशी पहन के बाहर गया और दुकानदार ने मेरे को पकड़ लिया, कहता भाई साहब ये तो किराए पे दिया था हमने। और आपको पता भाजी मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया। सही बात। मैंने जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, सूट उतार के उसके मुंह पे मारा मैंने। रुमाल टांग के आया हूं भाजी मैं। बस बहुत हो गया, इनफ। इस घर में या तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगी। हाँ। ठीक है फिर मैं ही रहूंगा। ठीक है मैं भी रहूंगी। रिश्ता अगर बराबरी वालों में ना हो तो यही सब कुछ होता है। हर जगह रिश्ते हो रहे हैं, सिर्फ मेरी बुआ का रिश्ता नहीं हो रहा भाजी। अब मेरे को लगता है बुआ का रिश्ता एक ही तरीके से होगा, मेरे को रेडी पे बिठा के ना फेरी लगानी पड़ेगी, 50% डिस्काउंट बेचनी पड़ेगी मेरे को बुआ। बुआ का रिश्ते का सोचना छोड़ दो, वो सुना नहीं है पुराना बंगला कोई नहीं खरीदता, कोई पैसा नहीं देता, बल्कि जो गिर जाता है ना उसका मलबा देने के लिए भी पैसे जेब से देने पड़ते हैं। टॉयलेट जैसा मुंह बातें बंगलों की। ए जूते किसने रखे फ्रिज के अंदर? मैंने रखे हैं, बाहर बहुत बदबू आ रही थी मैंने फ्रिज में रख दिए। ऊपर वाला खोलो उसमें आपका अंडरवेयर पड़ा है। तेरा दिमाग खराब है, बर्फ कहां है बर्फ? वो तो पड़ोसियों के फ्रिज में होती है। ए, नौकरों के हवाले छोड़ दो ना, कर यही हाल करते ही है। वैसे साहब जी मेरा काम में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मैं लगता मेरी शादी की एज हो गई है। चाय तेरे मुंह पे मारनी मैंने खींच के। चाय खींच के मारनी, जैसे बड़ी चाय बनती है इस घर में। ये देखे क्यों तेरा काम में मन नहीं लगता? वो पता क्या, रात को 9 बजे के बाद आपकी बुआ मुझे अच्छी लगने लग जाती है। अरे 2 पैक पी के तो कोई भी औरत अच्छी लगने लगती है। ये मेरा भाई नहीं गिटार वाला। ये मेरे को कल बोल रहा था, कहता भाजी 1 बियर पी के ना मुझे आपकी बुआ बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा तू 1 बियर की बात कर रहा है, मेरे को आधी बियर पी के तू मेरी बुआ लगने लगता है। और वैसे भी भाजी एक नौकर आदमी से कोई क्यों करेगा शादी, बताओ मेरे को? हाँ? ये जो लड़कियां होती हैं अपने हस्बैंड को नौकर ही बना लेती हैं, तो नौकर के साथ शादी नहीं कर सकती। आज की डेट में लड़कियों को पप्पी चाहिए होता है, डॉगी, थोड़ा सा जो भौंके भी ना और वफादार भी पूरा हो। ये मेरी वफादारी है, वरना जैसी जैसी आपकी बुआ ने मुझे ऑफर दी है ना, मैं कब का आपका फूफा बन गया होता। वैसे भी मेरी इस घर में पप्पी वाली हालत है, कुत्ते वाली हालत है, आप भी प्यार नहीं करते मेरे साथ। चल ठीक है, कल से तुझे कटोरे में दूध पिला करेंगे। बकवास कर रहा है, करा देंगे तेरी शादी भी। करा देंगे मेरी शादी। लड़की कैसी चाहिए बताना मेरे को, मैं कराऊंगा तेरी शादी। लड़की वो बस ज्यादा नहीं, मलिका शरावत जैसी हो जाए तो। ऑटो रिक्शा में एसी लगवाने की बात कर रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगी? तो गरीबों को प्यार करने का कोई हक नहीं होता? होता है, लेकिन गरीब लड़की से, और मैं किसी गरीब लड़की को नहीं जानता हूँ। तो किसी अमीर से करवा दो, मैं किस्तों पे कर लूंगा। वैसे पता क्या, आपकी वजह से मैं सिंगल हूँ, अभी तक जो मेरी शादी नहीं हो रही, वरना वो गुप्ता साहब की जो नौकरानी है ना मुझे इतनी लाइन मारती है, जब से उसको पता चला ना कि गरीबों में भी स्मार्ट होते हैं, उसने मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया सिद्धू भाजी। कौन सी गुप्ता की नौकरानी? मैंने तो नहीं कभी देखी। वो
वही तो नहीं जो ब्राउन साड़ी पहन के जाती है, बड़ी सी बिंदी लगाई, ढीला सा जुड़ा होता है जिसका। नहीं नहीं नहीं, वो तो सक्सेना साहब की नुकरानी है। हाँ तो मैंने कहा ना, मैंने नहीं देखी गुप्ता वाली। गुप्ता वाली कैसी है? वो वाली ये मोटी मोटी आंख, क्या बात कर रहा है, लंबे लंबे बाल, पतली कमर, ये गोरे गोरे गाल, क्या बात कर रहा है, दो बच्चों की माँ, लाना तो तेरी जात पे, तोर बड़ा मुंह तेरे, दो बच्चों की माँ से शादी करेगा तू? तो मुझे पता है ना कि आपने शादी के बाद मुझे हनीमून के लिए छुट्टी तो देनी नहीं है, इसलिए मैंने बोला बच्चे ला। नौकर आदमी है, शादी कर तो लेगा, बीवी रखेगा कहाँ पे तू? कम से कम यहाँ तो नहीं रखूंगा, मैं अपने दोस्त के पास रखूंगा। पाजी ध्यान से सुन, तू भी, मेरे एक दोस्त ने नई नई गाड़ी ली, उसके पास पार्किंग की जगह नहीं थी, दोस्त के गैराज में पार्क कर दी, 3 दिन बाद लेने गया, गाड़ी 2000 किलोमीटर चली हुई थी। अबे हमारी अपनी बुआ की नहीं हो रही, तेरी कहां से करवाएं? अब समझो बिट्टू के हो गई शादी। पिंकी की शादी के एड में अखबार में देकर आ रही हूँ, और इस बार तो गजब का एड दिया है मैंने, नीचे लिख दिया है मैंने, हाँ कि फोटो पर मत जाओ, हॉट फ्रेश एंड सेक्सी लड़की है, देख लेना ओवरफ्लो टेंडर्स आएंगे मेरी बिटिया के। हाँ वो बोया देख क्या रहा है, दुआ कर कि मेरी बिटिया की शादी हो जाए बस। मैं क्यों दुआ करूँ, मुझे क्या फायदा? अबे गरीबों की दुआ में जान होती है, करेगा तो जल्दी कबूल होगी। चलो फिर मिलके करते हैं। बुआ की शादी हो जाएगी, तेरी पगार भी दे देंगे। मुझे पहले पता था सिद्धू पाजी, इस घर में मुझे पगार नहीं मिलेगी, ना बुआ की शादी होगी ना मेरे पैसे मिलेंगे। अरे मुया, मेरी बेटी की शादी की बात हो रही है और तुझे अपनी पगार की पड़ी है? ये भी गिर गया। सिद्धू पाजी मैं 5 साल का था जब से इस घर में बुआ के रिश्ते आ रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। मैं तो साहब जी एक बात बोलता हूँ आपको, एक्सचेंज ऑफर में ना दे के बुआ को एक वॉशिंग मशीन ले लो। लेकिन वॉशिंग मशीन मेरी बेटी जैसी सुंदर तो नहीं दिखेगी। आपने कभी वॉशिंग मशीन को चलते देखा नहीं, यूं मजा आता है जब चलती है। हाय हाय, लेकिन मुझे तो मेरी बिटिया की बहुत फिकर हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है सिद्धू पाजी। ओए होए, शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बुआ मानने को तैयार नहीं है कि वो जवान नहीं रही, कोई उससे उम्र पूछ ले पाजी। सोचने में 15 मिनट लगाती है, बाकी लड़कियां 2 साल कम करके बताती है, ये सीधा 2 से डिवाइड करके बताती है। शर्म नहीं आती? बुआ की इंसल्ट कर रहा है तू? शर्म तो बुआ को आनी चाहिए। सिद्धू पाजी मुझे रात को 2:45 सोए को उठा के कहती है, क्या तुझे 50 रुपए दूंगी, मुझे जानू जानू कह। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटी से तू पैसे लेता है? कौन से पैसे लेता हूँ, 73,000 रुपए का उधार हो गया है। देखो जरा, है कसम मन खोना मर जाना, तभी तो तुझे 500 रुपए दिए थे मैंने। भाई देखा इनका हाल, देखा आपने, कौन आदमी करेगा इस घर में रिश्ता? जो भी हो मैं तो कहती हूँ इस बार रिश्ता होके ही रहेगा। तू हंस क्या रहा है नौकर कहीं का? तू चल चल अंदर जाके चाय बना। हाँ, और ऐसी चाय बनाना कि जो लड़के देखने आए रिश्ता पक्का करके जाए। सिद्धू जी, हाँ जी, मुझे पता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई बड़ा आदमी लिखा होगा। वाकई बहुत बड़ा आदमी लिखा है तुम्हारी किस्मत में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ गए हो? आप तो ऊपर वाले से पूछिए क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं मेरे से? ठीक है बिल्कुल। मम्मी जी, मुझे इस बुड्ढे से शादी नहीं करनी। लपेट ले बुआ, वैसे भी तेरे से 2 साल छोटा लग रहा है। और चुप कर, क्या पता अपने लड़के की बात करने आया हो। ओ चाचा, किधर है? अरे मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी घर में रिश्ता करूंगा जहाँ पे बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे होगा। डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से मना किया है। अच्छा, डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से मना किया है? हाँ। घोड़ी चढ़ने से मना नहीं किया डॉक्टर? हाय, बुड्ढा।
ही बेडरूम का एड्रेस पूछ रहा है। मम्मी अगर बुड्ढा इतना तेज है तो लड़का कितना तेज होगा? आइए आइए, जिस स्पीड से आ रहा ना उसको 4 साल लगेंगे। आओ बैठो। मालगाड़ी है मालगाड़ी। क्या लेंगे? चाय के कॉफी? पहले तो हम सांस लेंगे फिर खांस लेंगे। दोनों कर लो, दोनों कर लो। मैंने कहा तो पहले गंगा जल ले लो। क्या पता चाय तक जिंदा रहो ना रहो। खलखली। सुनिए, लड़का कहाँ है? हम ही हैं लड़के। क्या सीधा खड़ा रहे यार, इसको पकड़ो। अलाइनमेंट आउट होगी, अलाइनमेंट आउट। चलो चलो, आप करो रिश्ते की बात, मैंने पकड़ा हुआ है। सुनिए, एक मिनट टांग ले। एक्सक्यूज मी, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि शादी के हिसाब से आप बहुत आगे बढ़ चुके हो? हमको पहले लगता था, लेकिन जब हमने अखबार में इश्तिहार देखा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मिस्टर नवजोत। हाँ जी। हम दहेज में कुछ नहीं लेंगे। क्या बात है, बस लड़की 2 कपड़ों में आ जाए बस। इस उम्र में अगर तूने 4 कपड़ों से कम देख ली लड़की, तेरा अपना 4th आ जाएगा। बिट्टू बिट्टू, रिश्ते की बात तो करने दे प्लीज। अरे रिश्ते की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की हमको पसंद है, बस एक बार आप हाँ कह दो। मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। एक बार बेटी से पूछ लूं। बेटी? हाँ? लेकिन अखबार में तो लिखा था लड़की बिल्कुल फ्रेशनर है। हाँ फ्रेश है बिल्कुल। हाँ? अभी तक हमारी बुआ की किसी से हाफ सगाई भी नहीं हुई। अरे संभालो मेरे को। अरे आप बार बार इनको क्यों आगे कर रहे हैं? अखबार में इनका फोटो लगा हुआ है। एक टीवी सीरियल टाइप क्या करने की जरूरत नहीं है। ये देखो अखबार, ये देखो। हाय मर गई। इनका है बेड़ा गर्क। लोग सीमेंट की आड़ में जवान लड़की की फोटो देते, जवान लड़की की आड़ में गिरती हुई दीवार की फोटो दे दी। क्या ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तू बिच्छू मैं क्या करूं, गलती से मैंने अपनी तस्वीर चिपका दी। गलती? कोई गलती नहीं, गलती से अगर रेगिस्तान में बरसात हो जाए तो उसे गलती नहीं कहते। ध्यान से बुड्ढा लैंड हो रहा, चढ़ना जाए किसी पे। चुप कर। मैं क्या? कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मेरे देव बाबू। अरे मैं तो जॉगिंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मैं ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता। मैं अगर तुम मेरी ट्रेडमिल बन जाओ तो दूर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों बुद्धि मोशाई? ए, क्या तेरे भी माँ की। चुप करो आप लोग। भाई और अब्बा, मुझसे तो एक बुट्टा भी नहीं फंसा। मुझे लगता है इस जन्म में मेरी शादी नहीं हो सकती, जा रही हूँ मैं। बेटी 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 सुन, अच्छा हुआ। बिट्टू बिट्टू, अरे तेरी बुआ बड़ी गुस्से में चली गई, जा जाके देख कोई गलत कदम ना उठाए। गलत कदम उठाए? मुझे लगा तुम दोनों को यहाँ पे छोड़ दिया, तुम लोग कोई ना कोई गलत कदम उठा लोगे। ओए हो
हेलो। ये कौन है? अरे ये मेरी नर्स है। नर्स? ये कौन सी नर्स है? ये क्या हो रहा है? अरे ये मेरा बीपी चेक कर रही है। मेरा खुद का पड़ा हुआ कम। खबरदार, अगर मेरी बीवी को हाथ लगाया तो सुमड़ी में घूमी। ए पुट्टन, जब साले तेरी ऑलरेडी शादी हुई थी तो यहाँ पे क्या करने आया तू? अरे क्या आदमी दो दो सब्जियां नहीं खाता है डिनर में? ऑलरेडी तेरे पास चिकन तंदूरी था तो ये सड़े हुए टिंडे खाने क्यों आए? साले तेरे, तेरा तो मैं बताता हूँ। बुट्टे, ए दादी रुक जरा। एक मिनट। साले क्या? स्टैचू। टिंडे खाएगा। स्टैचू। डार्लिंग, यो काम यो रेशियो रेशियो ले रोहिया रे पिच किल ना अरे अगर नुक्कड़ पे छोले भटूरे वाले के पास मीन ला गो निकल लो बकली गली से। बिट्टू, एक मिनट, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, वरना मैं ये शीशी अपने सिर पे मार के मर जाऊंगा। दादी, ठोक इसको, ठोको, नहीं, नहीं, साले, उठन, दादी शादी करेगा। ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਮੇਂ ਥੋੜਾ ਗਰਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਪਿਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲੋਂ ਸੇ, ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼ਿਖਰ ਮਨਾਰੋਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਪੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ ਵੋ ਦੁਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਰਦੀ ਗੁਰੂ, ਪਰਦਾ ਉਠਾਓ ਜਰਾ ਖਟੈਕ ਕਰਕੇ। जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि हम कल आपको फिर मिलेंगे चेन्नई एक्सप्रेस की पूरी स्टार कास्ट के साथ, तो वादे के मुताबिक हमारे साथ मौजूद है शाहरुख खान, जोरदार तालियां, दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर रोहित शेट्टी। रोहित सर, हम लोग सब इतने एक्साइटेड हैं कि हमने चेन्नई एक्सप्रेस, बिकॉज ज्यादातर आपको साउथ की चीजें देखने को मिलेंगी, हमने पूरा माहौल क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए, हमने नारियल का पेड़ भी उगाया है और ये मैं ही जानता हूँ एक दिन में हमने कैसे लगाया। नारियल लटक नहीं रहे थे उसके साथ, हमने कील ठोक ठोक के लगाए। आज हमारे पास मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दीपिका शायद आपको एक चीज का अंदाजा नहीं है, आपके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। Okay. आपकी एक कजन सिस्टर जिसको आप कई सालों से मिली नहीं है, एक्चुअली उनको जब पता चला कि दीपिका हमारे शो में आ रही है तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और वो कह रही थी कि मुझे ऑन स्टेज जाके मिलना है। सो जोरदार तालियां एक बार दीपिका की कजन सिपिका के लिए। आपको तो इतना खुल के मिली नहीं, आप तो कह रहे थे काफी सालों बाद मिल रहे हम। अरे इन्होंने मुझे बेचाना नहीं है, मिस सीपिका, दीपिका बेचाना नहीं है। अरे हमारी शक्ल कितनी सेम टू सेम मिलके, देखो फोटो भी देखो, दिखाइए उनको, आ जाओ इधर खड़े हो जाओ, देखो कितनी शक्ल मिलती है हमारी, देखो। झूठ बोले कौवा काटे। अरे आपको झूठ लग रहा है, मैं सच कह रही हूँ। फर्क बताऊं क्या, इनको के लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्या है कि ये हमारा ना वो शराब के ठेके के बाहर तंदूरी चिकन का वो है ठेला, और मैं वो बेचती हूँ, तो मर्दों के साथ डील डील करके थोड़ी ना मर्दानिश हो गई हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, कर दिया आप झूठ बोल के अंदर आई है? झूठ बोल के अंदर आई? आपने कैसे खतरनाक झूठ बोल दिया आपने मेरे साथ कि हमारी फर्स्ट कजन है? ये तो आपकी 100 कजन भी नहीं लग रही। ये तो बहाना था, एक्चुअली मिलने तो शाहरुख खान से आई थी।
सोनी में घूमी। लेकिन अभी आपने कहा कि आप दीपिका की कजन, अभी शाहरुख हो गए आपके से, हैं? ए कैसे? अरे वो मान नहीं रही मेरी कजन है तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? फालतू है। मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शाहरुख आई लव यू। बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं वो। कपिल तुम्हारे शो में जो जो लड़कियां मेरे पीछे पड़ रही हैं तो मेरा तो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा आज। तुमको यहाँ पे और भी एपिसोड करने, तुम्हारा क्या होगा? कचरा मोहब्बत वाला एकदम दीपिका हो तो। अगर आप भी आई लव यू आज मुझे कह दो ना तो भाई गॉड की कसम मैं कह रही हूँ, मेरे पापा का एक प्लॉट है, वो मैं बेच के ना सारी वैक्सिंग करा लूंगी बॉडी की। ये टांग देखी आपने भाजी? इससे ज्यादा साफ तो नील नितिन मुकेश की टांगे हैं ये। तो कभी माँ बाप की गोद में भी नहीं बैठी। मेरा एक ही सपना था, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, सेक्सी हो जाऊंगी, तो मैं शाहरुख की गोद में बैठूंगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिपिका तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, ये तुम्हारे लिए। तेरी टांगों की नमकीन मस्तियां। एक मिनट, मेरी टांगों की नमकीन मस्तियां फिर तेरा। बस उसके बाद मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ। मैंने बहुत रोमांस किया लेकिन ये तो साले हद ही हो गई यार। मैं शाहरुख को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक है जान। ओके, तुम ही आज से हो मेरे सांड सांड सांड। आप और थोड़ी देर है कि निकल रही है? एक मिनट, ये बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। स्टैचू। आई लव यू शाहरुख, दीपिका, रोहित। 1, 2, 3, गो। सर डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूं। बहुत सारे जो दर्शक हैं ये आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। जी प्लीज। जी आपका नाम? मेरा नाम रोमिल है। रोमिल जल्दी जल्दी में दाढ़ी छूट गई थोड़ी आपकी। दीपिका जी से है। दीपिका जी, आप देखती वैसे बहुत घरेलू है, घर पे भी आप सब खुद का काम खुद ही करती है कि दूसरे लोग करते हैं? सब जानती हूँ, खाना पकाना, बर्तन धोना, साफ सफाई, कपड़े धोना बोलते हैं, कपड़े धोना, कपड़े धोना, कटका मारना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोंछा, सब चीज। हम भी फिल्मों में एक्टिंग के लिए थोड़ा लेते हैं, ये आके सेट साफ सूफ कर लेते हैं। ये जो आपने सवाल पूछा कि क्या क्या कर लेती हैं घर का कुछ काम कर, इसके पीछे मकसद क्या था आपका? I think he's looking for a maid. मेरी भी शादी नहीं हुई एक्चुअली अब तक। हां जी, मेरी भी शादी नहीं हुई अब तक। वाह, मेरा तो अच्छा, एक तो कॉन्फिडेंस देखो, ऊपर से और ओवर कॉन्फिडेंस देखो। पहले कंफर्म कर रहा है कि घर का काम कर लेती है नहीं, तो अगर ये कहती कि नहीं करती हूं तो फिर मना कर देते आप? तो भी शादी कर लेता था। तो भी कर लेता, मतलब अभी आपका विश्वास है? कर लेगा, कौन छोड़ेगा ऐसा? हां जी, ऐसा मौका कौन छोड़ेगा? दुल्हन ढूंढ रहे हो क्या भाई? हां जी, शाहरुख सर से क्या कहना चाहते थे आप? मैं इनका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। वाओ, इट्स अ न्यू थिंग, समथिंग न्यू। मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो फिल्म रिलीज हो रही है वो मेरे बर्थडे के दिन ही रिलीज हो रही है, 8 अगस्त को। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू रोमिल। थैंक यू रोमिल। तो आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट। रोहित सर मेरे को नहीं पता था आप लोगों को बर्थडे गिफ्ट फिल्में बना बना के देते हैं। बहुत सारे लड़के। जी जी, आप
हाँ आप क्या नाम बताया आपने? एक एक्साइटेड मत हो, आराम से, कहीं नहीं जा रहे जी। तेजस। तेजस तेजस। दीपिका जी, जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं हमेशा से, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ मेरी हाइट कंपेयर करके देखूं। आ तेरे। और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी गलती है। मेरे साथ भी कंपेयर कर ले। इधर आओ, इधर बात सुनो, इधर आके आओ। हमारे शो में है, हमारी सेलिब्रिटी को हाथ मत लगा के निकल रहे हो। बात सुनो, क्या ऐसा क्यों मन में आया था कि हाइट कंपेयर करनी है? मैं स्क्रीन पे देखा था तब हमेशा लंबी लगती थी। आज क्या लगा फिर? आज साथ में लगा, थोड़ा सा थोड़ा कम डिफरेंस है जितना लगता है। कम डिफरेंस है। I think she can grow taller. अच्छा, ये पहले सोच रहे होंगे कि हमेशा टीवी पे नापते थे अपने आप को इनसे? हाँ, उसमें जरा ज्यादा लंबी लगती थी। टीवी में ज्यादा लंबी? टीवी में कितने इंच का टीवी है आपके पास? 29 इंच में कितनी लंबी लगती होगी? मुझे लगता था 5'10". आपने लाइबल यादव के साथ देख लिया होगा कहीं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। खाना वाना खाया? खाया ना। हैं? खाया। अभी जाके नींबू पानी पीना, बीपी बढ़ जाता कई बार, ठीक है? अरे अभी मोहल्ले में तो क्या बात हो जाएगी भाई आपकी, है? रोहित सर, आपके इतने फैन है यहाँ पे कि आपको देख के कई लोगों ने अपने बाइसेप पे बड़ा वर्क किया है। लोगों ने आपको देखा हुआ है हाफ शर्ट में, पूरे ऐसे टैटू वगैरह बने। पहले मेरे को नहीं पता था, मैं नया ना अमृतसर से, मेरे को पता नहीं होता था कि इसको टैटू बोलते हैं। मुझे लगता शायद भूल जाते तो घर का एड्रेस लिखवाया हुआ है। बड़े सारे यहाँ पे लोग हैं जो आपको अपने भाई साहब दिखाना चाहते हैं। कौन कौन से मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए थे? क्या बात है, आ जाओ जरा, ये देखो सर, माइक दो, माइक। माइक कहाँ है? एक सेकंड, आप कहाँ? ये लॉरेल एंड हार्डी है क्या? लॉरेल एंड हार्डी है? इसको पेट बोलते हैं, ये बाइसेप नहीं होता। बाइसेप इसको बोलते हैं। दिखाइए जरा, दिखाइए बाइसेप आपके। ये परौंठे दिखा रहा है कैमरा में, दिखाइए जरा लोगों को। बाइसेप दिखा रहा है परौंठे? नहीं, आपके डोले अच्छे हैं। इसको ना, इसको बड़े मत करना, नहीं तो आपका टैटू खराब हो जाएगा शेप उसकी। क्योंकि आपने पुराने साइज के हिसाब से बनाए हुए हैं। भाई तू तेज राजा। अंग्रेज कितना चूस गए हमारे देश को, अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। सवा 3 इंच। बस इतना ही डोला है रोहित भाई का। आपका भी मिनती कर, इधर आइए। सेम इतना एरिया मेरे फ्लैट का है। वन बेडरूम किचन में इतनी जगह नहीं होती, इंक्लूडिंग किचन। चलिए, थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। ये ले जाइए साथ में। थैंक यू। रोहित सर, आपकी एक बड़ी खूबसूरत फैन है यहाँ पे। जी मैम, आप कुछ पूछना चाहती थी? हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रोहित जी को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। रोहित जी, आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आई मीन आप इतने हैंडसम हो, तो आप इतने हैंडसम हो तो आप हीरो क्यों नहीं बन जा रहे? बताइए, जनता जवाब चाहती है। आज तो रिश्ता पक्का कर ही लो, कर ही लो। मैं हीरो बन गया तो बाकियों का क्या होगा? आई मीन ऑब्वियसली आप तो बन ही सकते हैं ना सर, इतने बाकी सारे तो है ही, मतलब आप भी तो, आई मीन मुझे लगता है कि आपको भी तो बनना चाहिए। बना के ही छोड़ेगी आप?
सेलेक्ट कर लो, मैं बन जाता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं भी कभी ना कभी बन जाऊंगी मैं। जेनी, इनकी कौन सी चीजें अच्छी लगती है, क्या क्वालिटीज अच्छी लगती हैं तुम्हें एज अ हीरो? एज अ हीरो आई मीन ही इज ऑब्वियसली ही इज अ गुड लुकिंग गाय। वो तो मालूम, बोल दिया तुमने शुरू में, तीन बार बोल दिया। आगे बोलो ना, गुड लुकिंग सुन लिया ना यार। मालूम है हमको यार, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्टर बनेंगे ना। हमारे देश में लोगों की छाएं जल्दी खत्म नहीं होती। अगर रोहित सर कल को हीरो बन भी गए ना, फिर आ जाएंगी। आप इतने अच्छे हीरो हैं, आप कुकिंग क्यों नहीं करते? आपके इतने बड़े बड़े बाइसेप हैं, आप तो एक मिनट में 10 बंद को भी काट सकते हैं। आप शेफ क्यों नहीं बन जाते? आप इतनी खूबसूरत है, आप हीरोइन क्यों नहीं आ जाती राजपाल यादव के साथ? मुझे आपका नाम भूल गया, सॉरी। जेनी। जेनी। या। वाओ, जेनी, यू आर टू गुड। थैंक यू। मैं दीपिका जी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। आपको जो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत बहुत आई मीन आई कांट से यू लाइक कि मैं बहुत ज्यादा आपकी फैन हूं। एंड आपके सबसे बड़ी अच्छी चीज की आपकी डिम्पल और हेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। And I wish you all the best. I wish you all the best. I wish you all the best. Thank you. And inshallah. Sharif ji, aap. नहीं, मेरे पे मानने की जरूरत नहीं, मैं देख लिया पहले, रोहित हो गया, दीपक हो गया। जी जी, पूछिए पूछिए, क्या बोलना चाहती है? जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती ना, मैं वहाँ से खुद चले जाता हूँ। रामू काका बुलाने की जरूरत नहीं। I know this. उसके बाल अच्छे, डिंपल बाल मेरे भी हैं। आप हीरो क्यों नहीं बनते? मैं तो हीरो ऑलरेडी हूँ। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया। तुमको बोलने की भी जरूरत नहीं है, अभी कर लो जो कोशिश करनी है। मैं नहीं बनता। जेनी, आपको कुछ और भी बोलना, बोल सकते हैं। हम लोग आधी उतनी देर रेस्ट कर लेते हैं, सारा दिन है हमारे पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू जेनी। और आपके लिए एक है कि आपकी कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन शॉर्ट, मैं तो खुश हो गया था, इनको सब अच्छे लगते हैं। इनको कौन खराब लगता है पहले ये बताओ। बट अबाउट अरविंद केजरीवाल? गिटार वाले भाई साहब के बारे में क्या कहना, चुड़ैल से एक ही कदम पीछे। दीपिका चाहे अपनी विदाई के टाइम इतना ना रोए, आज खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। शुक्रिया जेनी। थैंक यू जेनी, गॉड ब्लेस यू। इनके लिए एक बार तालियां बनती हैं। आप सब लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस के जो प्रोमोज हैं, आप सब ने देखे, सब एक चीज को बड़ा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके फेवरेट स्टार उस फिल्म में है, रोहित शेट्टी सर की फिल्म का हर किसी को इंतजार रहता है, बड़े सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन लोगों को एक चीज बड़ी पसंद आ रही है दीपिका, उसमें जो आपने उसमें एक्सेंट पकड़ा ना, और दीपिका की खास फरमाइश पे मैं एक सीन उनके साथ करने को तैयार भी हो गया हूँ, वहां पे करेंगे हम लोग। क्योंकि वैसे तो हमें कभी मौका मिल रहा नहीं। तो हम क्यों ना अपने घर पे, मैं सेम, मैं थोड़ा एक रोमांटिक सीन दीपिका आपको वहां पे करना है हमारे साथ, इन नारियल के पेड़ के नीचे, प्लीज मना मत करना। But if Rohit has to direct us. Okay. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेफ्टी मार्जिन लेके जा रही है वो। चलो सर, और कहीं नहीं तो यहीं से ही आज। ओके। सिचुएशन क्या है रोहित सर? सिचुएशन ये है कि आप स्कूटर पे इनको भगा के लेके जा रहे हो और आप हो ठेठ जाट। ओके। और वो है साउथ इंडियन लड़की। ओके। तो आप कॉन्वर्सेशन क्या होगा वो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो। ये है कि पीछे गुंडे पड़े हैं और आप लोग भाग रहे हैं। हीरोइन का नाम मैं अपने हिसाब से रख लूं कि आप बताएंगे? हीरोइन का नाम मीना है। मीना। मीना लोचनी। ओके सर, स्टार्ट एक्शन। एंड एक्शन। अयो कपिल, यंग पोर्न ने हैं। मीना, मैं बड़े दिनों से तुम्हें एक बात कहनी चाहता था। क्या है कपिल? तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? मेरा पास 10 रुपया इल्ले। इल्ले है, पर 10 रुपए का तेल डालेंगे तो स्कूटर हिल है। मीना। येन्ना। हैं? अगर तुम्हारे भाइयों ने
मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। तुम कहीं मुकर तो नहीं जाओगी? सोचनी पड़ेगी। देखो मुकर ना मत, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी दोनों बीवियों को छोड़ा है। मीना, अब मैंने तुम्हारे ऊपर सारी जिंदगी दांव पे लगा दी है, ये स्कूटर भी मैं तुम्हारे नाम कर दिया है। सर ये तो बीच में एक्टर छोड़ के भाग नहीं सकता फिल्म। आज पता चला कि ये आदमी सुपरस्टार क्यों है। सर हमारे पास बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं, लेकिन उनमें से हमने एक खास सिलेक्ट की है रोहित सर आपके लिए। ये चिट्ठी है अमृतसर पंजाब से। ये लिखती हैं, हेलो बेटा रोहित, मुझे तुम्हारी फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं, तुम और तरक्की करोगे, लेकिन किसी शो में तुमने मेरे बेटे को कहा था कि वो तुम्हें अच्छा लगता है, उसको अपनी फिल्म में कब ब्रेक दे रहे हो? कपिल की मम्मी। मम्मी जवाब तो आपको मिल गया, चिट्ठी फाड़ रहा हूं मैं। आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पहले ना आपको चाय पानी कुछ पूछता हूं। हेलो सर्वेंट प्लीज। हेलो। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपके फादर हैं। सर अगर ये मान जाते तो फूफा हो जाता। ये लुंगी क्यों पहनी हुई तुमने आज? आपने कहा ना कि कोई भी प्रपोज कर सकता है, तो दीपिका जी मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ क्या? व्हाट? देखिए आपके पीछे बहुत सारे लड़के होंगे। आई डोंट केयर। मुझे तो अपनी मोहब्बत देखनी है ना। क्यों मालिक? देखिए मेरे साथ शादी करने का आपको फायदा बहुत होगा। आम आदमी जब शादी करता तो काम पे जाता तो बीवी घर में बैठ के रोटियां बनाती ना। मेरे जो वो है ना इस वक्त काम पे होंगे। इस वक्त वो मीटिंग कर रहे होंगे। और मेरे साथ उल्टा हो जाएगा, आप शूटिंग पे जाओगे मैं घर पे बैठ के खाना बनाऊंगा। मैं बोलूंगा मेरी जो दीपू है ना। दीपू। वो इस वक्त शाहरुख से बातें कर रही होगी। हाथ चल गया, जरूर शाहरुख के गले लगी होगी। मंजूर है। एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल रहे हैं आप इस घर के नौकर हैं। जाइए मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने को लेके आइए। और ये पेटीकोट पहन के क्यों आना था आपको आज? थैंक यू सर, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। रोहित शेट्टी यहाँ हो और कुछ एक्शन ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि एक एक्शन सीन तो यहां पे फिल्माया जाए, जरा गाड़ियां मंगवाई जाए। रोहित सर आप देखिए, आपकी फिल्मों में आप गाड़ियां तोड़ते हैं, मेरी फिल्म का बजट देखिए, मैंने हेलीकॉप्टर भी मंगवाया है। ये हेलीकॉप्टर जो है इसमें है शाहरुख सर, विलेन है। मैं विलेन हूँ? अच्छा तुमने कास्ट डिसाइड किए? हाँ मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ। दीपिका, विच कार वुड यू लाइक टू ईट? ये कार यू वांट टू ईट? नहीं, ड्राइव जो करनी है। जो भी रेड 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 आप कास्ट करेंगे ना? ओके आप अन्य रेड लहंगा तो ऑलरेडी पहना हुआ, आप व्हाइट ले लो। ये व्हाइट कार आपकी है। ये जो है विलेन है, हेलीकॉप्टर लेके पीछे पड़े हुए हैं। पीछे मेरा हमर। ये तो चलने से पहले क्रैश हो गया सर। सिचुएशन भी आप दे दो कि क्या कौन सी गाड़ी में क्या करना है हमें। ये आप दीपिका से शादी करना चाहते हैं? मैं दीपिका को रियलाइज हो गया कि बहुत बड़ी गलती है। तो वो भाग रही है? तो वो भाग रही है। ओके, तो हेलीकॉप्टर में विलेन है।
नहीं वो हीरो है ओके उसको रियलाइज हो गया कि आप विलन हो ओके तो वो आपको मारने आ रहा है अभी वो भाग रही है तो अभी मेरे को भागने नहीं देना चल अच्छा मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ये सब बातों से पहले कि मेरा चॉपर चल नहीं रहा है तो मैं यही बैठा हूँ आप लोग जो है ना खेल खिलंडरी करके वापस आ जाओ जो थक जाएगा मैं उसके साथ चले जाऊंगा मैं यही बैठा हूँ मैं तो कहता जाना है की तरफ आप मेरी गाड़ी में लिफ्ट ले ले मैं तुम्हें पंखा देता रहूंगा कि पसीना उसीना चलो मेरी गाड़ी नहीं चल रही चलिए रेडी आप लोग जी एक्शन मेरी गाड़ी नहीं चल रही उधर मर जा गए उधर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं शाहरुख सर बैठे हुए हैं आपने कितनी रोमांटिक फिल्में इनकी देखी शाहरुख सर मैं चाहता हूं कि एक बार एक रोमांटिक थोड़ा सा डांस आपके तरफ से हो जाए लेकिन दीपिका के साथ नहीं आपके साथ नहीं मैं ढूंढूंगा वो कौन है अब देखते हैं रोमांस निकलता कहां से है डांस करूंगा कि प्यार जी मैम नहीं मैं हर चीज के लिए रेडी हूं तो मैं चाहता हूं कोई रोमांटिक सी लाइन हो जाए सर आपके स्टाइल में मैम के लिए इसी हमारे फिल्म के गाने के अमरजीत के लिए कहता हूं मैं आंखें बंद करके नहीं बोलना डायलॉग नहीं नहीं आंखें एकदम खोल के आंखों में आंखें डाल के ठीक है सर ओके गुड आगे आगे देखो क्या क्या उतारता हूं सिर्फ कह जाऊं या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बद्दू चश्मे बद्दू शुक्रिया अमरजीत जी थैंक यू मुझे तो ये डर था शाहरुख भाई जब आप ऐसे कर रहे थे ना मुझे था कि पीछे से दीपिका के ऊपर ना गिर जाए दीपिका इतनी सी लेके जाते हैं आप श्रिंक करके कि 6 फीट की दीपिका लेके तो 250 ग्राम की लेके वापस आए हैं तो बातें बहुत सारी हैं मुद्दे बहुत हैं आप जितनी बातें करते जाएंगे उतनी कम है अगर हम लोग मेरे ख्याल से 1 महीना भी लग रहे हैं तो ये एपिसोड खत्म होने को नहीं आएगा सो इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है क्या है कि हम काफी देर से तुम्हारे साथ बैठे हैं 2 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हिले नहीं है कपड़े भी नहीं बदले नहाए भी नहीं जी लेकिन मुझे ना तुम्हारी थोड़ी तारीफ करनी है क्योंकि तुमने इतनी मेहनत से ये शो को तुम चलाते हो नवजोत प्राजी तो करते ही है मेहनत वहां पर आराम से बैठ के लेकिन जितने भी ऑडियंस आते हैं लेकिन तुम्हारी बहुत मेहनत है मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा जी सर व्हाई नॉट इसको पेट्रनाइजिंग मत समझना जी मैंने थोड़ा सा नोट किया और इसके बारे में बुरा मत मानना मैंने नोट किया तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है जी अनपॉसिबल वैसे है नहीं तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो टैलेंट है कपिल का ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे सिर्फ हिंदुस्तान में ही ना रह जाए भारतवर्ष में ही ना रह जाए तो मैं अंग्रेजी में तुम्हारी थोड़ी तारीफ करूंगा जी जी बिल्कुल ठीक है इंटरनेशनली आप मेरे को आई इंटरनेशनली आई विल मेक यू इंटरनेशनल क्रुक हैप्पी गो लकी I'll go. Yeah. 1, 2, 3. First, I think, you know, genuinely, you know, everyone in the world, I'd like you to know that Kapil is an outstandingly crude comedian. And, yeah. Crude, root hota na, root. Rooted ho ekdam. Dharti se rooted ho ekdam. Okay. Crude. अभी कोई भी मिले ना ऊपर वाले का सब कर रहा है सबको ये बोलना मैं क्रूड हूँ सबको ऐसे बोलना क्रूड I'm a crude. Yeah. Yo. Yeah. 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 Good. So I think when I hear you speak
And when you're doing your jokes and your stand-up comedy, you're an extremely over-smart kind of a guy. मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं चाहता था कि मैं स्मार्ट बनूं लेकिन आज ओवर स्मार्ट बन गया स्मार्ट से ऊपर मतलब आई कांट बिलीव हां स्मार्ट स्मार्ट तो इतना होता है तुम ओवर स्मार्ट हो सबको बोलना अब बोलो कह रहे मेरा शो नहीं चलेगा आप बताओ ओवर स्मार्ट यस एंड योर बेस्ट क्वालिटी कपिल इज दैट यू आर कंप्लीटली फूलिश यस है कोई ऐसा मार्केट में मैं तेरी पैंट उतार रहा हूँ। No 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 I अरे what are you saying? Oh sorry. Foolish means like a fool. Like manlish. गुलाब का फूल। गेंदे का फूल। गेंदे का फूल। गेंदे का फूल। इनको क्या पता इनकी इंग्लिश वीक ये लोग बड़े लिखे नहीं हैं। Don't mind them. I don't even mandatory things. No. Whatever feel like. Yeah. Absolutely. You should be proud that you are such a ridiculous man. Yo. Thank you, sir. और ज़िंदगी में बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतने बड़े स्टार आपके बारे में इतनी सारी चीजें बोलें मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मम्मी कभी मुझे रिडिकुलस भी हो जाऊंगा मैं कभी मतलब मैं टीवी पे काम करना चाहता था लेकिन रिडिकुलस बन जाऊंगा सोचा नहीं था कभी दीपिका भी आपकी तारीफ करना चाहती हूं जी कम हियर एंड से आई थिंक यू आर द मोस्ट क्या बात है डिस्गस्टिंग मैन लोगों के प्यार का दुआओं का नतीजा है बिल्कुल मतलब मैंने लाइफ में नहीं सोचा दीपिका मुझे क्या क्या बताएं डिस्गस्टिंग दिल से बोलो डिस्गस्टिंग यस कम ऑन डिस्गस्टिंग एवरीबॉडी से डिस्गस्टिंग 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 रिडिकुलस रिडिकुलस हर पुलिस सुना था रिडिकुलस I'm really feeling top of the world. Apparently, equally vulgar. What you feel like? I don't care. Khair, English में बातें तो होती रहेंगी. आपको पता है, मैंने double M किया sir actually. मालूम है, दिखता है. पहली बार ठीक नहीं हुआ था, दूसरी बार दोबारा किया. एक बार पूरी star cast के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. शाहरुख खान दीपिका पादुकोण और रोहित शेट्टी जी और मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली जो हमेशा डिस्टर्ब करती है जाने से पहले फोटो खिंचा ले ए दादी शाहरुख फुफा का ख्याल तो रख रहा है ना हाय रब्बा ये लड़की के साथ खड़े हैं बिट्टू और तूने इनको हटाया भी नहीं एक बार मेरी कान खोलकर सुन लीजिए ना हो आप मेरे रांझा ना मैं आपकी हीर बन पाऊंगी अब और नहीं देखा जाता मैं रोहित शेट्टी को पटाऊंगी क्या देंगी वाला लाइन मारना चालू और शाहरुख सर दीपिका आपको ये जान के खुशी होगी कि सिर्फ मैं ही नहीं मेरी फैमिली में तकरीबन सारे रिडिकुलस है सारे ही डिस्कस्टिंग है चेन्नई एक्सप्रेस इस बार आपको तोहफे के रूप में आ रही है ईद के मौके पे और उम्मीद करते हैं कि जितनी आपने रोहित सर की पहली फिल्मों को प्रोत्साहन दिया शाहरुख सर की फिल्मों को इतना प्यार देते आए ये फिल्म भी आपका उतना ही मनोरंजन करेगी जोरदार तालियां एक बार चेन्नई एक्सप्रेस के लिए For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.